धान की फसल में भूरे और सफेद पुष्ट वाले तेले का हमला। जब धान की फसल मुंजर निकालने लगे तो काश्तकार अपनी फसल की खास निगरानी करें। धान की फसल में वस सितंबर से अक्टूबर के आखिर तक भूरे और सफेद पुष्ट वाले तेले का हमला हो सकता है। ये छोटे जसामत वाले कीड़े पौधों के तने का रस चूसकर फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। धान के पौधे टुकड़ियों में पीले होना शुरू हो जाते हैं, जो चंद दिनों में मुरझाने लगते हैं, जिसके नतीजे में धान की फसल सूख जाती है और सूखकर गिर जाती है। जब तने सूख जाएं, तो ये कीड़े पत्तों और मुंजर पर हमलावर होते हैं। मुतासरा पत्ते पहले पीले और फिर भूरे हो जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में फसल सूखकर सया हो जाती है और देखने में झुलसी हुई मालूम होती है, उससे तेले का झुलसाव कहते हैं। ज्यादा दर्जा हरारत और हवा में नमी की वजह से कीड़ों का हमला ज्यादा हो सकता है। दूसरे रस चूसने वाले कीड़ों की तरह भूरी पुष्ट वाला तेला भी अपने जिस्म में एक चिपचिपा मादा खारिज करते हैं, जिस पर फफूंदी लगने के इम्कानात होते हैं और फसल मजीद खराब हो जाती है। भूरी पुष्ट वाले तेले को मारने के लिए काश्तकार पाइमेट्रोजीन 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करवाएं। और इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें।